वैश्विक महामारी कोरोना ने रुद्र रूप धारण कर लिया है। हर गली हर नुक्कड़ पर कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे पड़े हैं। कोविड सेंटरों और अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत है और यही हाल सारे देश के साथ साथ सावनेर शहर में भी इससे अछूता नहीं है। गोर गरीब ऐसे में इलाज कैसे करे, यही बात को ध्यान में रखते हुए शहर के कुछ मध्यम वर्गीय युवाओं ने अपने पॉकेट मनी से सावनेर कोविड केयर सेंटर को स्वखर्चे से 10 ऑक्सीजन सिलेंडर तथा उसकी उचित फिटिंग करवा कर एक आदर्श प्रस्तुत कर अनेकों को प्रेरणा सिद्ध हो रहे हैं। हम ऐसे खेत में बैठे थे तो हमारे को ऐसा लगा क्या थोड़ा सा कोविड सेंटर में हम जाते थे रोज रोज, हमारे को ऐसा लगा कि एक दो घंटे किसको भी गरीब को ऑक्सीजन मिलेगा तो अच्छा होगा वहाँ, इसलिए हमारे को ये मन में सोचा और हमने किया यहाँ पे। लोगों ने खुल के मदद करने को ना गरीब और जनता की, और यहाँ पे जो भी हो रहा है यहाँ गरीबी जनता आ रही है कोविड में, और प्राइवेट में जाने के लिए गरीब जनता के पास में उतना पैसा नहीं है, इसलिए हमने युवा ने यही निर्णय लिया कि एक एक करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके यहाँ पे कोविड के लिए सिलेंडर और पाइप ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था करें। सावनेर कोविड सेंटर ITI में 10 ऑक्सीजन बेड के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन की फिटिंग करके कराई जा रही है, जिसमें 6 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था पूरी होकर उसका लाभ मरीजों को मिलना शुरू हो गया है। यह व्यवस्था करने के लिए राजेश खंगारी, सचिन मोहतकर, गोलू दही हांडी, स्वप्निल महाजन, मोहित बारस्कर, अंकुश डवले, धनंजय वानखेड़े, घनश्याम तुर्के, इन सभी युवाओं ने मिलकर यह व्यवस्था की। अभी ये कोरोना के महामारी में जो परिस्थिति है, खासकर गरीब लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे और सबकी कैपेसिटी नहीं है कि इतने पैसे खर्चा कर सके। जो गरीब लोग हैं वो बेचारे यहाँ आकर अपना इलाज कराना चाहते हैं, यहाँ पे आकर कुछ देर रुकते हैं तो मेडिकल में जगह नहीं है, मेडिकल में वेटिंग के लिए यहाँ रुकना पड़ता, तो हमको ऐसा लगा कि जो भी लोग मेडिकल में जाने के लिए यहाँ आके रुकते हैं कम से कम उनको 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे यहाँ पे ऑक्सीजन बेड मिले तो वहाँ एडमिशन के लिए वो यहाँ रुक सकेंगे और अपना इलाज करा सकेंगे। सर जैसे मेरा परिवार पॉजिटिव निकला तो मैं वहाँ पे जैसे दवाखाने में गया, सामने को कुछ प्राइवेट दवाखाने में गया, वहाँ बेड अवेलेबल नहीं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, उसकी कमतरता देखते हुए फिर मेरे फ्रेंड लोग जो है जैसे सचिन मोहतकर, उनके प्रयत्नों से कुछ ऐसा हुआ, राजेश संगारे, जैसे 4-5 फ्रेंड मिले और उनसे चर्चा हुई, उनमें फिर ऐसे डिसाइड किया कि कुछ कलेक्शन करते अपन, और जो गरीब वर्ग है जैसे मेरा परिवार है उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिले, कुछ हो बेड अवेलेबल होते तक कि उनको ऑक्सीजन मिले, उसी प्रेरणा के तौर पर हम खेती बाड़ी से उसके माध्यम से 2 दिन में सब तैयारी किया। इन ऑक्सीजन बेडों के कारण सावनेर कोविड सेंटर में ग्रामीण भागों से आने वाले लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं और मेयो मेडिकल में बेड मिलने का इंतजार करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ घंटों तक ऑक्सीजन लगाकर सावनेर में रुकने की मदद मिलेगी तथा उनकी जान बचने में सहायक हो। इस कोरोना महामारी में लोगों की मदद जिस प्रकार से कर सके उस प्रकार से करे, कोरोना पीड़ित मरीजों एवं उनके परिवार को मदद करे, ऐसी अपील सावनेर शहर के लोगों से अपील की गई। इस महामारी में एक दूसरे का सहारा बनकर लोगों की मदद करे, ऐसी अपील युवा राजेश खंगारे तथा सचिन मोहतकर ने लोगों से की। BCN न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।